आज होने जा रहा है उत्तराखंड का, ये जो उत्तराखंड देवी विकास संगठन की तरफ से जो आपका स्वागत करते हैं, और यहाँ चल रहा है वो प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी नंदा जी का डोला चल रहा है, काफ़ी भीड़ क्राउड है। चलते अंदर जाके दिखाते किस प्रकार से होता है यहाँ पे प्रोग्राम और अपडेट करेंगे किस प्रकार से। और हम आ गए हैं यहाँ पर और चाहते हैं सब्जी खर्च वगैरह आपको दिखाएं और एक एक चीज़ अपडेट करेंगे और यहाँ पर कितने लोग हैं और यहाँ पर क्राउड भी नजर आएगा आपको। यहाँ का क्राउड आपको नजर आ रहा है किस तरह से भीड़ है यहाँ पर, जो चार तरफ पूरा यहाँ पर लगा हुआ मेला। आज पूरा उत्तराखंडवासी यहाँ पहुँचे हैं और हमारे काफल स्टोर वाले भी यहाँ पहुँचे हैं। काफल स्टोर को लेकर सर कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज फिर काफल स्टोर में फिर आ गए हैं और काफल स्टोर में देखने को नाना प्रकार की चीज़ आपको मिलने को मिल रही है, जो देवस्थान भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। राम जी की मूर्ति बड़ी विशालकाय बनाई गई यहाँ पर और दिया जा रही है यहाँ पर। और चलते भी बातें करेंगे इनसे भी, थोड़ा साउंड ज़्यादा है तो चलते जगह दिखाते हैं। बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, नई लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ें हैं। और आइए आगे चलते हैं। बड़ी रहो माँ भगवती, आप आशीर्वाद जो नमस्ता आप लोगों का बीच में मेरा मान चाहिए। तो माँ को है मेरा ननद ना हो, कभी आपसे कष्ट ना हो और तुम्हारे नंदिन दिल दुगुनी रात चौगुनी बरगत करी। मेरा आशीर्वाद तो आप सब लोगों है माँ भगवती का शब्द छन। तो एक बार जोरदार ताजा माँ भगवती वास्ता। तो माँ के बोले ईजा शब्द जान सा, तो तू हाथ खड़ा करो जो तो ईजा शब्द जान सा। ये बात ईजा ईजा माँ का स्वरूप हो, ईजा को स्वरूप माँ बहन ईजा, ईजा माँ है तू जानता। जो मैं है जानू मेरे से तुम्हें यहाँ नाम दिल सेंग सेंग, मैं तुमको आशीर्वाद दी बे पावन धरती उत्तराखंड जा भगवान शंकर विराजमान छन डांडी कांटी हिमालय की गांठी माँ। तो क्या कौन है ईजू मैं है जानू रंगवाली पिछोड़ी नाख की नथुनी तरह की बिंदुनी सब सजा दी जा तुम चुप रह गए अब मैं है जानू। हाथ खड़े करके सब लोग इजो मैं है जानू, ताली के हाथ मैं है जानू अब है जानू अब जानू। के अंदर है एक क्राउड
सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बचा विशाल विशालगढ़ पर, और यहाँ पर काफ़ी क्राउड है जो आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग इंटरेक्ट है और बड़े बुजुर्ग भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी लोग। ये देखिए चमक यहाँ नजर आ रही है सारी, ये चमक काफ़ी देर से छुपा के रखी थी, अब मिली, ढूंढ के मिल गई। काफ़ी लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग पहुँचे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, बहुत ही मजबूत यहाँ पर, और लोग नाश्ते भी निकले यहाँ पर। और देखिए जो कि स्वागत करेंगे हमारे इस सचिव, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। मनाली जी थोड़ा, और हमारे बीच में हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी श्री किशन सिंह रावत, जो कि बहुत चर्चित समाज सेवी और बहुत ही उत्तराखंड और दिल्ली तक में उनका नाम है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, भूखे के एसएचओ साहब श्री किशन सिंह रावत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा दो शब्द एसएचओ साहब अगर बोलना चाहे। आपका होली का त्यौहार है, अपने रंग बिरंगे रंग से जो हम मनाते हैं, तो आज जो मैं यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, और अपना जो देवभूमि का जो एक हमारी जो बोली होती है, जैसे नंदा देवी की आपने बताई, उसका जो अनुभव यहाँ लिखा है बहुत अच्छा लगा। हम सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे, वो भी इसको धीरे धीरे अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है कि इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, वो शहर की उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, इसको प्रिजर्व करना है, और इसको अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाथ से प्यार है, दोनों हाथ ऊपर, और जो जितने हाथ ऊपर करेगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, तरक्की में ऊपर जाएगा। हमारे बाहर के लोग डरते बहुत है भाई, दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार, बोलते भूमि उत्तराखंड की, बोलो बद्री विशाल की, बोलो गोलू महाराज की, बोलो पंडू गुसाई की। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे लगे बताइए, मतलब आपका सीखा हुआ है कि हाथ ऊपर कर रहे तो जय ही बोलना है सर। भाई ध्यान दीजिए कि एंगर क्या बात कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, माहौल को यूं ही बनाए रखेंगे। और मैं जानता हूं कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो नाचने के बड़े शौकीन हैं, और जो इंतजार कर रहे हैं उस धमक ताल का, उस कड़क आवाज का, उस बुलंद आवाज का, जिसके लिए आप बड़ी दूर से यहाँ चल के आए, यानी कि रॉक स्टार इंदर आर्या। देखिए जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे तो भाई बाहर नहीं आएंगे आप। मैं चाहता हूं कि आप जरा जोर से अपनी आवाज में बोलेंगे, तभी हमारा रॉक स्टार भाई निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले हमारे दीपक भाई, हमारे म्यूजिशियन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, दीपक भाई जो अल्मोड़ा से आए हैं, इंदर भाई के जो म्यूजिशियन है वो मेरी आवाज सुन रहे तो मंच पे आ जाए। चलिए दो मिनट का रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि गंगा को पानी हम तेरी बनाई, गंगा को पानी हम तेरी बनाई, तू भरी भरी जलवानी, तू भरी भरी
घुमा घोड़ दिवाला भोला रागान ए घुमा घोड़ दिवाला भोला रागान ओ या का वीर सलिया बहुत है।
मैच में और पहुंच रही हैं आप। तू मन के आलोया।